आज मैं अपनी लेकर आई हूँ सीजन स्पेशल रेसिपी, जो कि आप बना के एक बार रख लोगे तो पूरा साल भर इसको खाओगे। बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है, इसके फायदे अनेक हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ नीगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने ले लिया है 250 ग्राम लहसुन। तो आज हम लहसुन की बहुत अच्छी से रेसिपी बनाएंगे, जो कि आप सालों साल इसको स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। अब बहुत ही हेल्दी है और फायदे इसके अनेक हैं। लहसुन करना क्या है, बढ़िया तरह से इस तरह से ले लेना है और फिर इनको इस तरह से पीसेस में निकाल लेना है। और निकालने के बाद में दोस्तों इसमें करना क्या है, सरसों का तेल लगा देना है और धूप में रख दीजिए। अब बहुत आसानी से फिर इसके बाद में छिलके निकल जाते हैं। किसी बोरा या जिसे टावल में लपेट के बढ़िया कुछ इस तरह से मसल दीजिए तो बहुत अच्छे से छिलका निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने छिलके रख लिया है कुछ इस तरह से, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। या तो या आप जैसे कि आलू उबालते हैं उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, तो इस तरह से जब आप इसको ढक्कन को इस तरह से ढकेंगे उसके ऊपर लहसुन रख दीजिए तेल लगा के, तो बहुत आसानी से उससे भी निकल जाते हैं। आलू भी उबल जाता है और जो है लहसुन के छिलके भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बढ़िया से छिलके रख लिया है, देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो लहसुन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम या ज़्यादा। और यहाँ पे हमने हरा मिर्च लिया है, जो कि बढ़िया से धो भी लिया है और सुखा लिया इसका पानी। और यहाँ पे अदरक लिया है। तो ये मतलब सामग्री आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम या ज़्यादा। तो करने क्या है, इसके जो है डंठल इस तरह से निकाल देना है। ये हल्के तीखे हैं मिर्चे। यहाँ पे हरा मिर्च को इस तरह से चीरा लगाएंगे, इस तरह से चीरा लगा के रख लेते हैं। हरा मिर्च को हमने इस तरह से कट के रख लिया है। अब करना क्या है, इस तरह से अदरक लेना है, इसको पतले पतले पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है। चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो, मोटे मोटे थोड़ा पीसेस में कट कर लेना है। ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो लीजिए हमने कट कर लिया है, चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। हमने यहाँ पे मसाले लिए हैं दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने राई लिया है, 3 मेर की राई है। तो यहाँ छोटी वाली से काली वाली राई है, सरसों जिसको बोलते हैं, जिसमें से सरसों का तेल बनता है। और छोटी वाली राई है जो अचार में पड़ता है, पीली वाली है, लाही है। और यहाँ पे हमने लिया है सौंफ, जीरा लिया है, गोल मिर्च, मेथी, अजवाइन और यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। तो इतनी हमारी मसाले बढ़िया से हमने रख लिया है। तो चलिए इसको आगे का प्रोसेस करते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे मसालों को हल्का से गरम कर लेते हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है, बस गरम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे साबुत धनिया। एक चम्मच डालेंगे जीरा, क्योंकि जीरा की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो जीरा थोड़ा सा कम ही डालिएगा। और यहाँ पे डालेंगे सौंफ और यहाँ पे डाल देते हैं राई को। मसाले हमारे चटकने लगे हैं, यहाँ पे गोल मिर्च डाल देते हैं और इनको हल्का से गरम कर लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे। मसाले हमने बढ़िया तरह से भून लिया है, अब इनको साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे मेथी और अजवाइन, इसको अलग भून लेते हैं।
और यहाँ पे डालेंगे मंगरेल, थोड़ी सी डाल देते हैं हींग इसी में, हल्का सा हींग भी गर्म हो जाएगी। एक चम्मच भर के हल्दी डाल देते हैं, ये भी गर्म हो जाएगा। गैस को बंद कर देते हैं। अब इनको उतार के बाहर रख लेते हैं। इसी पैन में हम तेल गरम कर लेते हैं सरसों का। पैन में हमने सरसों का तेल डाल दिया है। अब करना क्या है, इसको गरम करना है। हल्का से जब धुआं आ जाए तब इसको बढ़िया से गरम करके बाहर रख लेना है ठंडा होने के लिए। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है, जो भी आप तेल पसंद करते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको गरम करके और ठंडा कर लेते हैं। तेल हमारा जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मिक्सर जार लिए हैं, बस इसमें डाल के इसको बढ़िया से पीस लेते हैं। तो लीजिए मसालों को हमने बढ़िया तरह से पीस लिया है, अब इसको साइड में रखते हैं। तेल को हमने ठंडा कर लिया है तो थोड़ा सा तेल बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा तेल हमने बाहर निकाल के रख लिया है इसलिए कि अगर जरूरत लगेगी तभी उस तेल को हम यूज करेंगे। तो चलिए इसको वापस से गैस पे रख देते हैं। तेल को हमने वापस से गैस पे रख दिया है, ये हल्का से गर्म भी हो चुका है। डालेंगे थोड़े करी पत्ते, अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता है तो उसको यूज कर लीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे मेरे सूखे रखे थे तो मैंने सूखे का यूज कर लिया है। और यहाँ पे डाल देंगे लहसुन के, अगर आप लहसुन का अचार तुरंत खाना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस से बनाइए, अगर आप तुरंत नहीं खाना चाहते हैं तो उस तेल को ठंडा करके फिर मिलाइए। तो यहाँ पे जैसे कि हम तुरंत खाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों बस हमको 3 मिनट के लिए इनको हल्का से पका लेना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। और गैस को हम धीमा कर दिए हैं, ये भी पूरा लॉन्ग टर्म चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट हमने पका लिया है, बस इतना भर तक बहुत है। क्योंकि जब हम अचार बनाते हैं फिर उसको धूप में रखते हैं तो ऑलरेडी अचार बहुत अच्छा से बन जाता है, वो ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना भर तक हम पका लिए हैं। और यहाँ पे डाल देंगे अदरक और हरा मिर्च, हल्का से ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। गरम है तेल क्योंकि, एक मिनट तक इसको भी इस तरह से इसमें रखे रहने देना है, गर्माहट से बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे डाल देते हैं मसालों को जो हमने पीस के रखा है। इसमें जैसे कि मैंने हल्दी है डाला है और हींग डाला है और ये मेथी है, मंगरायला अजवाइन है, तो इसको हम खड़ा ही डालेंगे, पीसा बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसलिए कड़वापन आ जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से खड़े मसालों को निकाल लिया है, इसको भी डाल देते हैं। जब हम अचार में खड़े मसाले डालते हैं तो बहुत अच्छा अचार बनता है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है, 2 चम्मच लिया है चाट मसाला, चाहे तो आप इसमें अमचूरन पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा कलर आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और यहाँ पे डालेंगे सफेद नमक, चाहे तो आप नमक को भी हल्का से गर्म कर सकते हैं। अगर अचार आप तुरंत खाना चाहते हैं तो लहसुन को थोड़ा से ज़्यादा पका लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मिनट पकाया है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म बना रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म चलेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम एक दिन में तो इसको खा नहीं पाएंगे। और ये बिल्कुल दवाई के रूप में इसको हमको खाना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है। तो बस हल्का से ले लेना है और खाने के लिए रख लेना है। अचार में ज़्यादा आप तेल नहीं डालना चाहते हो तो इसमें सफ़ेद सिरका जरूर डालें। सफ़ेद सिरका डालने से अचार ख़राब भी नहीं होता है और हमको ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बस इस तरह से डाल के इसको
मिला दीजिए। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो नींबू का आप प्रयोग कर सकते हो, या तो फिर आप थोड़ा खटाई का प्रयोग जैसे कि अमचूरन पाउडर डाल दीजिए ज़्यादा, तो ऐसे भी अचार खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने तेल का प्रयोग कम किया है, ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप तेल में डिबो के रखोगे, ज़्यादा तेल हो जाता है तो अचार खाने का मन नहीं करता है। अगर हम कम तेल में बनाएंगे तो अचार सभी लोग बढ़िया से खा लेगा। तो लीजिए, बहुत अच्छा से रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने इस तरह का कांच का बर्तन लिया है, जैसे इसको बढ़िया गर्म पानी से धो लीजिए और इसको धूप में सुखा लीजिए तो एकदम परफेक्ट हो जाता है। बस इस तरह से जार में इसको भर देना है। तो लीजिए, हमने जार में बहुत बढ़िया से इसको भर दिया है। अब इसमें थोड़ा से तेल डाल देना है ऊपर से, और फिर सूती कपड़ा बांध देना है और 10 से 15 दिन के लिए इसको धूप में रख देना है। बढ़िया खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये तेल जो हमने निकाल के रखा था, बस उसी को यूज किया है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। जब अब इसको धूप में रखेंगे तो उलट पलट कर दीजिए और नीचे ऊपर तेल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने बढ़िया से बना के रेडी कर लिया है। आप भी इसी तरह बना के रख लीजिए, पूरा सालों साल खाइए। तो यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया से बना के रेडी कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।